हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा सेकंड पेपर था उसके विषय में हमने चर्चा की थी। वहाँ पर बात की थी कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्टों में बांटते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, दो पार्टों में। फिर हमने वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशियल समीकरण होती है या जो अवकल जो समीकरण होती है उसकी घात एवं कोटि के बारे में हमने बात की थी वहाँ, ठीक है। अब आज हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हमारा स्टडी का पॉइंट होगा वो होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का, कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, कौन कौन सी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जब कोटि एवं घात पढ़ा वहाँ पर, तो वहीं से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, या जो डिवाइडेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब हम स्टडी करते हैं किसकी घात एवं कोटि की। तो आपसे कहा जाए कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण ऐसी है जिसमें घात एवं कोटि, ये दो टॉपिक हैं आपके यहाँ पे, घात एवं कोटि। तो इन्हीं से ही आपकी डिफरेंशियल जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो डिवाइड होने लग जाती है यहाँ पर। अब जैसे बात की जाए कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की, तो इस प्रकार की समीकरण भी तो हो सकती है जिनमें घात भी एक हो और कोटि भी एक हो, ठीक है। एक ऐसी हो सकती है कि जिनमें घात एन हो और कोटि एन हो, एक ऐसी हो सकती है जिनमें घात कितनी वन हो और कोटि एन हो यहाँ पर, ठीक है। तो इन घात एवं कोटि के बेसिस पे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो डिवाइड होने लग जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, या हम कहें सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि अवकल समीकरण वाली जो हमारी किताब है उसमें सबसे जो सरलतम जो अवकल समीकरण हमारी होगी वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम उसके विषय में बात करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। अवकल समीकरणों में सबसे सरलतम यदि कोई रूप हो सकता है तो वो कौन सा हो सकता है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की। और यदि आपको कुछ याद हो तो आपने कक्षा 12 में भी इन चीजों को सोल्व किया था वहां पर भी, लेकिन हम यहाँ पर इस बुक के अंतर्गत विस्तृत इस चीज को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल विस्तृत तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो घात एवं कोटि के बेसिस पे ही हमारी जो प्रश्नावलियां हैं वो डिवाइड है, इन्हीं के कारण है, घात एवं कोटि के कारण। यहाँ पर एक घात एवं कोटि और एक चीज और है थोड़ी सी, इसको भी समझ लीजिए, एक होता है गुणांक, कोफिशियंट, कि यहाँ पर जो हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होंगे उनके जो गुणांक होंगे वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। तो आप भी जानते हो कि यदि कोई भी डिफरेंस जो कोई भी अवकलन गुणांक हो, जो कि आपका dy / dx या d2y / dx square इस तरीके का हो सकता है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, उसके गुणांक में क्या लगा हुआ है, तो उसके गुणांक में दो चीजें संभव है, या तो वो कोई कांस्टेंट होगा या क्या होगा, कोई वो फंक्शन होगा। तो उसके बेसिस पर भी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आज तो हम बात कर रहे हैं इसके विषय में, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण के बारे में। इसका जो सबसे सरलतम जो रूप होता है वो हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरणों को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि m plus n dy by dx equal to 0, where m is the function of m, n चर x y के फलन, या अचर, ठीक है, कि जो m और n है वो या तो वेरिएबल x y का कोई फंक्शन होगा या क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। तो जैसे मैं यहां पर इसके कुछ रूप लिखूंगा, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया 2x plus 4y dy by dx equal to 0, या मैंने लिख दिया यहां पर केवल 2 plus 7x dy by dx, इस तरीके से लिख दिया मैंने यहां पर। इसके आगे मैं यहां ले लिया, चलो 4 और ले लिया मैंने यहां पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इनके जो गुणांक है वो क्या है, कि या तो क्या हो सकते हैं कि वेरिएबल्स के फंक्शन हो सकते हैं। हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, x और y हैं, तो या तो वेरिएबल्स के फंक्शन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो m और n है वो क्या है, या तो चर x या y के फलन है, और यह क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या निकल कर आता है, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण। यहाँ पर अब हमारी जो अवकल समीकरण होगी इनका भी क्या होंगे, रूप हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर अलग अलग। वो किन के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनमें उपस्थित होने वाले जो फंक्शन है इनके बेसिस पर ये हमारे पास इनको सोल्व करने के अलग अलग तरीके संभव है यहाँ पर। कि जरूरी नहीं है कि सारी जो समीकरण है सोल्व तो आपको करनी है, लेकिन उनको भी क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर दिया जाता है कि ऐसी समीकरण जो इस विधि से हो रही है उनको एक अलग नाम दे दिया, ऐसी समीकरण जो इस विधि से हो रही है उनको एक अलग नाम दे दिया, कुछ अन्य समीकरण जिनमें विशेष नियम लागू होता है उनको अलग नाम दे दिया यहाँ पर। तो इन समीकरणों को हल करने की भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है चर पृथक्करण विधि, चर पृथक्करण विधि, चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। सबसे पहला हमारा क्या आता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, समघात, समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, या क्या कह सकते हैं इसको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि इनको हल करने के जो मेथड्स होंगे, यानी कुछ इक्वेशंस तो ऐसी हैं जिनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे मैं आपका एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, कि मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको बात पता है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हो x हमारे पास यहाँ पर, यदि मैं इसको समाकलन करना चाहूं तो मैं इस वेरिएबल को यहां पर भी ले सकता हूं इसके साथ में। तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि x dx इक्वल टू माइनस का y dy, और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो वास्तव में हमने क्या किया था, वेरिएबल सेपरेशन, कि जो x वेरिएबल थे उनको हमने dx के साथ रखा और जो y वेरिएबल थे उनको हमने dy के साथ रखा और इंटीग्रेशन कर दिया। सबसे सिंपलेस्ट हो गया कि x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, तो हो गया सबसे सिंपल। तो ये किसके कारण होता है कि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया था, वेरिएबल्स को सेपरेट किया था, कि एक्स वेरिएबल्स को एक्स वाले जो हमारे पास कोफिस ये वाला है डिफरेंशियल ऑपरेटर उसके साथ ले लिया, और जो वो है वाई वाले उनको वाई के साथ ले लिया। और ऐसा करने पर हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमारी जो अवकल समीकरण है वो आसानी से हल हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, चर पृथक्करण विधि यहाँ पर। दूसरा है समघात अवकल समीकरण। अब इन समीकरणों में क्या है कि इनमें जो फंक्शंस होंगे, जो m और जो n होंगे वो समघात होंगे, कि जितनी पावर यहाँ पर है उतनी पावर यहाँ पर होगी m n में यहाँ पर। तो इस प्रकार की समीकरण होंगी। तो इनको हल करने के लिए दूसरी विधि है यहाँ पर। विधि का मतलब यह है कि उनको बार बार करके देखा गया होगा तो वो एक ही मेथड से आसानी से हो जाती है वहां पर। तो इस कारण से उनको हमने एक अलग डिपार्टमेंट में रख दिया या अलग समीकरण के नाम से दे दिया यहाँ पर। तो क्या लिखा, समघात अवकल समीकरण हमने उनको वहां पर कह दिया, ठीक है। तीसरा नंबर का हमारा टॉपिक क्या है, समघात, समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण में समानायन, ठीक है। कि अब हमारे पास ऐसी समीकरण है जिनको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण में है तो नहीं, वो कि जो आपको दिखाई दे रही है वहां वो है तो नहीं, लेकिन उन्हें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज में लेके या कुछ प्रतिस्थापन यूज में लेके हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं समघात अवकल समीकरण में वहां पर, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, समघात अवकल समीकरण में समानायन। चौथा है आपका रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। एक आपकी इस तरीके की कुछ विशेष प्रकार के समीकरण होगी जिनमें ऐसा ऐसा रूप होगा यहाँ पर, तो वो हम जब इसको पढ़ेंगे तब वहां पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे कि कौन सी ऐसी समीकरण होती है जिनको हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो चौथा टाइप हमारा कौन सा है समीकरणों का, रैखिक अवकल समीकरण। पांचवा टाइप हमारा है बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण, बर्नौली की अवकल समीकरण या बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा टाइप होगा। छठा टाइप हमारा कौन सा हो गया, बर्नौली में समानायन, बर्नौली की समीकरण, बर्नौली की समीकरण में समानायन। अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि हमारे पास ऐसी समीकरण भी होंगी जिनको आप है तो नहीं लेकिन उन्हें आप चेंज कर सकते हो, किसमें, बर्नौली की रैखिक अवकल समीकरण में आप उन्हें चेंज कर सकते हो।
तो इस तरीके से आपको कुछ डिवाइडेशन दे रखे हैं समीकरणों के लिए। तो हमने छठा तक हो गया हमारा, सातवां कौन सा है हमारा, सातवां है हमारा यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आठवां है वो है यथार्थ रूप में समानायन, यथार्थ रूप में समानायन। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमने जितनी भी जो रैखिक अवकल, जितनी भी प्रथम कोटि एवं जो प्रथम घात की अवकल समीकरण होती हैं, उनको हम इन आठ भागों में से किसी ना किसी एक भाग द्वारा हम उसको हल कर सकते हैं वहां पर। इनके अलावा ऐसी कोई समीकरण नहीं बचती जो इन विधियों या इनमें होने वाली जो प्रोसेस है उसको, उसके बाद भी वो आपसे नहीं सोल्व होती हो वहां पर, ऐसी एक भी समीकरण हमारे पास नहीं बचती वहां पर। तो सबसे पहला हमारा कौन सा था, चर पृथक्करण विधि, दूसरा था हमारा समघात अवकल समीकरण, तीसरा है हमारा समघात में समानायन। समानायन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो वास्तव में समान घात की तो नहीं थी, लेकिन हम उन्हें कुछ विशेष प्रतिस्थापन यूज में लेकर हम उन्हें दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, समघात अवकल समीकरण में। यहाँ पर चौथा था आपका रैखिक अवकल समीकरण, इसका एक विशेष रूप होता है, जब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी तब वहां पर इसके बारे में जानकारी, विस्तृत जानकारी करेंगे। नेक्स्ट है आपका बर्नौली के अवकल समीकरण, प्रूफ है कि ऐसी समीकरण है जो बर्नौली की तो नहीं है लेकिन आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो बर्नौली के अवकल समीकरण में। सातवां है आपका यथार्थ अवकल समीकरण और आठवां है आपका यथार्थ अवकल समीकरण में समानायन। समानायन का सीधा शर्त है यहाँ पर कि वास्तव में वो समीकरण थी तो नहीं वहां पर, लेकिन उन्हें हम विशेष ट्रांसफॉर्मेशन या विशेष प्रतिस्थापन यूज में लेकर आप उन्हें क्या कर सकते हो, उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ मेथड्स होंगे जहां पर हम प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को समझेंगे। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि इनमें से आपको सारे मेथड आपको आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब हम आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे या आगे की जो यूनिट्स पढ़ेंगे, ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है ये जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम आठ जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी इस तरीके की, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और समझेंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से हमें सॉल्व करना चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, मैं कह रहा था कि आपको ये आठों के आठों मेथड है ये आपको अच्छे से आने चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आगे की हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो भले ही चाहे आगे के मेथड से होंगी, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं जो आधार होगा वो इन्हीं से स्टार्ट होगा, यानी होने को तो वो अन्य मेथडों से होंगी, लेकिन जब उनको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों की वहां पर जरूरत पड़ेगी, यानी जिस ये इसका जो बेसिक्स है अवकल समीकरणों का, ये हमसे आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है उन आगे के चैप्टर्स को भी सोल्व करने के लिए और इस यूनिट्स की जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए भी यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली एक्सरसाइज होगी चर पृथक्करण विधि, तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहला मेथड आपका क्या होगा, चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये समीकरण हमें दी गई है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की जो अवकल समीकरण होती है उनका रूप इस तरीके से होता है। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। यदि हम किसी अवकल समीकरण जो हमारी ऐसे दी गई हो उसे हम इस तरीके से लिख सकें, जहां इसके बारे में हमें मेंशन करना है कि जहां जो m हमने यूज में लिया है वो क्या है, चर x का फलन है, कि जो m हमारा हो वो केवल किसका फलन हो, क्योंकि dx के साथ वो ही आ सकता है साथ में, या तो वो कांस्टेंट हो या क्या हो, चर x का फलन है या अचर है, कि या तो क्या हो m यहां पर चर x का फलन हो या क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि dx यानी इस dx के साथ वही फंक्शन आ सकता है जो जिसमें केवल x के पद विद्यमान हो यहाँ पर, उसके अलावा यदि और कोई आएगा तो वहां पर हम उसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन नहीं कर सकते। दूसरा है n
जो हमारा n है वो किस तरीके का हो, कि जो n है वो चर y का फलन हो, केवल चर y का फलन है या कांस्टेंट है। कि कांस्टेंट तो हो सकता है लेकिन क्या नहीं होगा, इसमें कहीं भी x के जो पद है वो विद्यमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब y के रेस्पेक्ट में इसका हम समाकलन करेंगे तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। तो यदि हमारी दोनों कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, फिर उस समीकरण का समाकलन कर देंगे यहाँ पर। और जब समाकलन कर देंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, समाकलन करने के बाद हमें क्या होगा, एक आंसर प्राप्त होगा और वही हमारी इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा यहाँ पर। तो चर पृथक्करण विधि में बस इतना करना होता है आपको कि जो वेरिएबल जिसके साथ जा सकता है उसको वहां ले जाइए, ठीक है, उसके बाद जो आंसर होगा वो आपके सामने होगा। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है ये, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, हमने लिखा यहां पर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर है ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके का हमारे पास क्या है, एक प्रश्न है यहां पर, हमें इसको सोल्व करना है यहां पर। तो सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि यदि ये मेथड x के पद एक साथ आ जाएं x के साथ और y के पद यदि एक साथ आ जाएं तो हम इसे चर पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। पहले तो ये देखो कि जो जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर सभी को एक साथ कर दो यहाँ पर। तो हमने क्या काम किया कि इस वाले पद को हम कहाँ ले गए, यहाँ पर तो क्या बन गया वाई माइनस ए वाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन गया ये बराबर में, ये नेगेटिव था उधर जाके किसका हो गया पॉजिटिव का। तो यहाँ ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से आ जाएगा x प्लस ए और साथ में क्या आ जाएगा dy by dx। ऐसा ही होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा, कि जो हमारे पास ये x नेगेटिव का था उधर जाके किसका हो गया पॉजिटिव का, इस वाले dy by dx के साथ क्या है a है तो उसमें से a आ गया, यहाँ से क्या आ गया x आ गया हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y के सारे पद एक साथ हो गए और x के सारे पद एक साथ हो गए, तो हम y वाले पदों को y के साथ ले जाएंगे और x वाले पदों को x के साथ ले आएंगे। तो क्या किया हमने यहाँ पर, जो dx है उसको तो कहाँ लिया है मैं इधर, तो क्या हो गया वो तो कि 1 अपॉन x प्लस a और साथ में क्या आ गया dx आ गया बराबर। y वाले पदों को y के साथ लूंगा तो क्या जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dy मुझे प्राप्त हो गया यहाँ पर। यहाँ से हमने देखा x के पद एक साथ कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो जब हमें इसके समाकलन की जरूरत पड़ेगी तो समाकलन यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का समाकलन कर लिया, तो समाकलन करूंगा तो क्या जाएगा x प्लस a dx, x प्लस ए डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि मैंने इसमें से y कॉमन और ले लिया यहाँ पर, तो y कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा वन माइनस ए वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन डी वाई मिल गए हमें यहाँ पर जो हमें करना था यहाँ पर। अब हमें इसका भी समाकलन करना है और इसका भी समाकलन करना है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि जब हमारे हर में यानी जो हमें कोई भी भिन्न मिली हो समाकलन करने के लिए वहाँ पर कोई भी हमें भिन्न मिली हो तो हम उसको आंशिक भागों में तोड़ लेते हैं। पहले आपको याद हो तो आपने कक्षा 12 में इस तरीके के समाकलन पढ़े होंगे कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यदि आपको समाकलन करना हो तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सा सूत्र लगा दो इसमें, इसका सूत्र होता है ना लोग, कि जब x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो उसका सूत्र होता है लोग, तो वो क्यों आया था, वो इसी विधि से आया था। वो क्यों आया था कि पहले हमने इसको तोड़ा और कैसे लिखा कि 1 अपॉन x प्लस a और क्या लिखा x माइनस a लिखा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो यहाँ पर फंक्शन मिला है ये जिसका हमें समाकलन करना है वो एक होता है आपका उचित फंक्शन, एक होता है अनुचित फंक्शन। तो यहाँ पर जो अंश है उसमें जो x की पावर्स है वो क्या है, नीचे वाले हद से क्या है, कम है यहाँ पर। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे इसको सबसे पहले, तो उसके बाद फिर यहाँ पर इसको खंडों में बांट कर फिर इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 अपॉन x प्लस a एंड x माइनस a यहाँ पर और साथ में क्या है dx यहाँ पर, कि 1 अपॉन a x प्लस a और साथ में क्या है उधर x माइनस a यहाँ पर, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, तो पहले इसको तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने इसको कैसे लिखा कि x प्लस a
डॉट एक्स माइनस ए वही कक्षा 12 का मेथड है, तोड़ना है तो इसका जो ऊपर मिलने वाला जो भाग है उसको मैंने कैपिटल एक से लिख लिया और नीचे वाले भाग को कैसे लिख दिया एक्स प्लस ए, कि इसको जब एलसीएम लिया होगा तब जाके तो ऐसा बना है, तो एलसीएम से ये पहले का कैसे था वो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको लगा दिया अपनी तरफ से, अपनी तरफ से क्या ले लिया कि कैपिटल ए है, माना कि इसका जो अंश है वो कितना है कैपिटल ए और इधर इसका कितना है कैपिटल बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि इन दोनों का एलसीएम लिया गया होगा तब जाके तो यह आया होगा। तो वास्तव में यहाँ इनके ऊपर क्या था ये हमें जानना है यहाँ पर। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब कैपिटल ए के बारे में जानकारी करनी है तो इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं एक्स प्लस ए बराबर जीरो, ध्यान से समझना इस बात को, एक्स प्लस ए बराबर जीरो, तो उससे मुझे क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस का ए। तो जो भी एक्स की वैल्यू मिले उसको यहाँ रख दो उठाकर हम, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली माइनस का ए, तो एक्स की जगह मैंने कितना लिख दिया माइनस का ए एंड माइनस का ए। जो चीज यहाँ पर आप यूज में ले चुके हो, यहाँ पर जो आप खंड यूज में ले चुके हो इसको यहाँ मत लो, तो इसको आप रहने दो। तो क्या देखा आपने किसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन माइनस का 2a। तो वास्तव में a की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन माइनस का 2a थी यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में क्या हो जाएगी, यहाँ पर दूसरे वाले में क्या मिलेगा आपको कि हमें b की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो b की वैल्यू के लिए देखा x इक्वल टू कितना हो गया a, ठीक है। तो a को मैं यहाँ रखूंगा, अब की बार यहाँ नहीं रखूंगा क्योंकि ये तो इसको जीरो कर देगा, तो इसमें नहीं रखोगे यहाँ, कहाँ रखोगे यहाँ। तो a प्लस a ये भी कितना हो गया 2a, तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2a। तब हमने देखा कि a की वैल्यू तो हमें क्या मिल गई इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन 2a और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस a हो गया। दूसरा था हमारा कौन सा ये वाला, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको प्लस का 1 अपॉन 2a b की वैल्यू और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस a, और दोनों में हमारे क्या लगा हुआ था dx। तो हमें जो ये वाला जो वैल्यू थी हमारी या ये वाले जो वैल्यू थी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सामने वाले जो खंड है वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनका जो समाकलन है वो ज्यादा इजी है बजाय इसका समाकलन करने का। तो इनका समाकलन तो जानते हैं कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो कॉन्स्टेंट को ले लिया बाहर, नीचे कितना है जैसे 1 अपॉन x का जैसे होगा ठीक उसी प्रकार से ही 1 अपॉन x प्लस a का होगा, तो इसका कितना हो जाएगा x log x प्लस a। फिर यहां पर देखा वही 1 अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है ये आ गया बाहर, तो यहां कितना हो गया log x माइनस a हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ज्यादा इजी होगा इसको सोल्व करना बजाय इसको, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। पहले इसको हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे इसका हम यहाँ पर समाकलन करेंगे यहाँ पर। तो फैक्टर्स में तोड़ने के लिए यही मेथड हम यूज में ले रहे हैं जो हमने यहाँ पर यूज में लिया है, तो एक बार थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको बार बार इस चीज को दोहराना नहीं पड़े, फिर हम सीधे इसके फैक्टर्स करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए। तो यहाँ क्या होगा देखो हमारे पास क्या है 1 अपॉन y, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया कि a अपॉन y और दूसरे को क्या लिख दिया b अपॉन 1 माइनस ए वाई। अब मुझे एक तो इस a की वैल्यू निकालनी, एक मुझे इस b की वैल्यू निकालनी, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर रखा तो y की खुद की वैल्यू भी कितनी आ रही है जीरो। अब यहाँ हमने इस वाले फैक्टर को लिया था तो इसको तो कुछ करो मत, केवल इसमें आप y की जगह क्या लिख दो जीरो, तो जीरो रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 1। b वाले में देखो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा जीरो के, तो जीरो के बराबर रखूंगा तो 1 माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन a, यानी यहां पर y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो रही है 1 अपॉन a। अब ये वाला फैक्टर हम यूज में ले चुके हैं तो इसको तो कुछ करो मत, सिर्फ y का मान कहां रखो यहां, तो y का मान कितना मिल गया 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a को जब हमने रखा तो 1 तो यहां आ गया और a कहां पहुंच गया ऊपर, तो वास्तव में b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें a, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से कह दो, चाहे आप क्या कह दो b का मान कितना आ गया 1 अपॉन वो b का मान कितना प्राप्त हो गया हमें a, तो दोनों के मान मिल गए। तो इस समीकरण को मैं अगेन कैसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, पहला वाला तो मुझे क्या मिल गया 1 अपॉन y मिल गया मुझे यहाँ पर, दूसरा वाला मुझे क्या मिल गया a अपॉन 1 माइनस ए वाई मुझे यहाँ पर भी प्राप्त हो गया। अब इसका समाकलन करना इजी हो गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो हमें दो दो फैक्टर्स मिल रहे थे, अब यहाँ पर हमें जो सीधा हमारा 1 अपॉन x का जैसे होगा ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ इसका देखा तो इसका कितना हो गया log x प्लस ए हो गया इसका, तो इधर गए इसका कितना हो गया log y हो गया, यहाँ इसका कितना हो गया देखो a कॉन्स्टेंट है तो a को हमने कहाँ ले लिया बाहर, इसको हमने क्या माना कि जैसे 1 अपॉन x काम करते हो ठीक उसी प्रकार से, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया था, चाहे आप इसको मानकर कर लो इंटीग्रेशन, मैंने इसको दोबारा लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से ताकि हमारी एक लाइन और बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। dy और प्लस का हम जो कॉन्स्टेंट यूज में लेते थे वो हमने यूज में यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब एक लाइन और लेते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ पर,
तो आगे क्या होगा यहां पर, हमारे पास ये तो मिल ही गए थे, हमने यहां पे लिखा कि log x प्लस ए, अगले वाले से आ गया था log y आ गया था, ठीक है। और यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया कि माना 1 + 1 - ay = t मान लेते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का a dy और यहाँ क्या आ जाएगा dt। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो a dy की वैल्यू चाहिए, तो a dy की वैल्यू क्या आ गई, a dy इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का dt। यानी इस a dy की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dt, और इस नीचे वाले की पूरी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/t, ठीक है। जो a था ना यहाँ, वो भी हमने इसके साथ यूज में ले लिया, तो हमारे यहाँ पर नेगेटिव नहीं था, इस वजह से नेगेटिव को मैं कहाँ ले गया, इधर को। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या आ जाएगा कि माइनस का डी टी इंटीग्रेशन अपॉन टी और प्लस का सी। आगे सोल्व किया तो ये आ गया लॉग वाई, और यहां से हमें कितना मिल गया, माइनस का लॉग टी और प्लस का क्या हो गया सी। इसको और आगे देखते हैं तो ये तो हो गया एक्स प्लस ए, ये हो गया आपका लॉग वाई, और ये जो है लॉग टी, तो टी का मान जैसे मैंने रखा तो कितना मिल गया मुझे, लॉग 1 - ay और प्लस का c, ठीक है। यहां पर हमारा कितना हो जाएगा कि ये क्या है, सब्ट्रैक्शन में हो रहा है कि एक लॉग तो है पॉजिटिव, एक लॉग है नेगेटिव, तो जब ऐसा होता है तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 - ay कि y अपॉन 1 - ay प्लस का c, ठीक है। एक काम हम और कर सकते थे कि जो हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज में लिया है उसको भी हम लॉग के पद में मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि एक तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट हमारा लॉग के पद में भी हो सकता है वो, ठीक है। अब ऐसा हम इसलिए यूज में ले रहे हैं कि हमारे उससे क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो लोग हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, चाहे तो यहाँ मत लो, आप इसको जब हमारा अंतिम जब हो जाए वहां यूज में ले लेना अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें मिले। तो हमने इस जो बनने वाली जो सी था उसको क्या ले लिया, लॉग सी नाम ले लिया हमने इसका यहाँ पर, ताकि यहाँ से हमें क्या बेनिफिट होगा कि ये जो हम लोग हम बार बार लिख रहे हैं ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये तो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ए, ये हमारा हो ही गया था। अब देखिए आगे, तो यहां से आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ए, ये लॉग पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो वाई अपॉन 1 - ay और साथ में कितना आ गया, सी हो गया। लॉग यहां पर भी है, लॉग यहां पर भी है दोनों तरफ, तो वहां से हटाने पर हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स प्लस ए इक्वल टू वाई अपॉन 1 - ay डॉट सी। तो वास्तव में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी यदि हमारे पास अवकल समीकरण है तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड की सहायता से हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो हमारा कोई भी मेथड हो, आप पहले ये जरूर जांच कर लेना कि वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले हमने इसको जांचा तो वास्तव में जो सारे वेरिएबल्स वाई के वो एक साथ हो गए और जो x के वेरिएबल्स हैं वो एक साथ हो गए, तो इजी गोइंग में ये किससे हो सकता है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो सकता है, और हम पढ़ भी वही रहे हैं, तो इस कारण से हमने इसको किससे किया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं नया आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यूज में ले रहे हैं, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस का e की पावर y साइन y साइन x dy बराबर 0। ये हमारा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहां पर e की पावर y प्लस 1 cos x dx और प्लस e की पावर y sin x dy,
ठीक है। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं क्या ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो सकता है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको ट्रांसफॉर्म करो या इससे बढ़िया है पहले मैं इस पूरे पद को कहाँ ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, e की पावर y प्लस वन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का e की पावर y साइन एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ से हम जो y वाले पद हैं उनको एक साथ कर लेंगे और y के साथ ही उनको लेंगे यहाँ पर, तो y के साथ ये दोनों पद कहाँ चले जाएंगे, ये इधर चले जाएगा, जो x वाला पद है वो इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x dx, इधर को क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस वन और साथ में क्या आ जाएगा डी वन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हम और देखें आगे, यहाँ पर तो हमारे पास इसको या तो आप इधर को लिया हो एक साथ यदि करना हो तो, वरना इधर को भी रहे तब भी कोई दिक्कत ये नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होंगे कि x के सारे पद एक साथ हो गए और y के सारे पद एक साथ हो गए, तो हम क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा cos x upon sin x dx equal to minus e की पावर y upon e की पावर y plus 1 dy। इस वाले का समाकलन करने के लिए आप इसको cot x में परिवर्तित करके करो चाहे यहाँ से इसको कर लो, आप जानते हो कि यहाँ से मैं कि माना किसी भी तरीके से कर लो, यदि आपको कोटेक्स का सूत्र याद है तो उस तरीके से कर लो, क्योंकि जो कोटेक्स का सूत्र है वो भी इसी चीज से निकल कर आया था कि कोटेक्स को लिखते हैं कोस अपॉन साइन, जहां पर हम नीचे वाले जो हरे हैं उसको कंसीडर करते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू टी, और जब उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस में परिवर्तित हो जाता है, उस तरीके से वो होगा, तो दोनों एक ही चीज है, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। तो माना यहाँ तो क्या मान लिया साइन एक्स इक्वल टू टी वन मान लिया, और यहाँ पर ई की पावर वाई प्लस वन उसको क्या मान लिया टी टू, तो यहाँ sin x का किया तो कितना हो गया cos x dx equal to dt1, और यहाँ इसका किया तो सिंपल हमें क्या मिला e की पावर y dy equal to dt2, तो दोनों तरफ चेंजेस हो गए, तो यहाँ मैंने इसको लिखा तो ये तो कितना हो गया इंटीग्रेशन 1 upon t dt हो गया ये तो, ठीक है, क्योंकि cos dx को हम क्या कहेंगे dt1, इधर को जाके देखा तो इधर को क्या हो गया ये किस में कन्वर्ट हो गया e की पावर y dy को क्या लिख सकते हैं dt2 और डिवाइडेड बाय t2, यहाँ इसका क्या हो जाएगा यहाँ तो इसका हो जाएगा log t1 और यहाँ इसका क्या हो जाएगा माइनस का log t2, तो क्यों ना हमारा जो कॉन्स्टेंट मिलने वाला है उसको भी हम log में ही मान ले ताकि सारे लोग यहाँ से क्या हो जाएंगे हट जाएंगे यहाँ पर, तो ऐसा करने पर हमारे जो आंसर है वो क्या मिलेगा हमें, तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में हमने देखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर log t1, log t1 इज इक्वल टू log c अपॉन t2, क्योंकि ये t2 था ये किसका था नेगेटिव का था, तो हमने इसको किस तरीके से लिखा इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, अब log t1 और यहाँ पर भी log, तो यहाँ से t1 का मान भी रख दो साथ के साथ, तो t1 हमने किसको माना था sin x, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा sin x, इधर को देखा log क्योंकि दोनों तरफ log है तो हमने इसको हटा दिया था, तो c अपॉन t2 का मान कितना था e की पावर y प्लस 1, इस तरीके से इसको और सिंपल करूं तो मैं दोनों पदों को एक साथ लिखूं तो मुझे क्या मिल गया कि e की पावर y प्लस 1 sin x इक्वल टू c, तो वास्तव में हमारी समीकरण का आंसर क्या होगा e की पावर y प्लस 1 बराबर sin x बराबर c, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन हो उसको देखो कि किस तरीके से वो वेरिएबल को सेपरेट होगा वहां पर, और फिर उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आपको हल करना है इस मेथड के द्वारा। और देख लीजिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं आपकी बात, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 हम लेकर चल रहे हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व क्वेश्चन है ये, यहां पर है एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस का वाई कॉस स्क्वायर एक्स
dy इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अनसोल्व क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा पुराना वाला मेथड कि हम सबसे पहले इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। हमने क्या लिखा कि x cos स्क्वायर y dx इज इक्वल टू, इधर को क्या आ जाएगा आपका, इधर को आ जाएगा आपका y cos स्क्वायर x dy। y के पदों को y के साथ ले लेंगे, x के पदों को एक साथ ले लेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर y अपॉन y, y वाले पदों को हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि y हमारा यहीं पर उपस्थित है, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ताकि हमें नई लाइन में इसको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, यहाँ तो मैं लिखूँ x अपॉन cos स्क्वायर x dx, और इधर को क्या लिख दिया कि y अपॉन cos स्क्वायर y dy। यहाँ से मैं इसको अगेन कैसे लिख सकता हूँ कि x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर y dy, ठीक है, बोथ ऑफ साइड इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन का सिंबल यूज में हमने ले लिया। अब हमें इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन वाला जो हमारा टॉपिक है ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये है x, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। यहाँ पर भी y एक अलग फंक्शन है, यहाँ क्या है जो sin sec स्क्वायर y है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर। तो हमें दो फंक्शंस को दिया गया है यहाँ पर, तो ये हमारा कौन से रूल के अंतर्गत होगा कि समाकलन में जो u डॉट v वाला रूल है उसके अंतर्गत ये होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम इसका तो आसानी से चाहे कुछ भी करना हो, चाहे समाकलन करना हो चाहे अवकलन करना हो, आसानी से हो सकता है। लेकिन इसका हम समाकलन तो कर सकते हैं क्योंकि sec स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, tan x, क्योंकि tan x स्क्वायर, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर। तो जब sec स्क्वायर का समाकलन करने की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, tan x वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ इसको, तो मानता हूँ मैं क्या, फर्स्ट सेकंड फंक्शन, इसको मानता हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन। तो हमारा रूल क्या कहता है, वैसे यहाँ पर इसको फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड। तो हमारा रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, सेकंड का क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। तो क्या लिखा मैंने, एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा इसका, कितना हो जाएगा टेन एक्स, बीच में नेगेटिव का चिन्ह आता है तो नेगेटिव का चिन्ह हमने यूज में ले लिया। इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा था उसका अवकलन, तो अवकलन हो जाएगा वन, और समाकलन के लिए कितना ले लिया, टेन एक्स dx इक्वल टू यहां पर भी सेम लिमिट y tan y, और क्या मिल जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन tan y, ठीक है। कंप्लीट जब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या ले लेंगे, चलो यही ले लेते हैं कांस्टेंट c। यहां इसको सोल्व किया तो x tan x y, x tan x, यहां हमें किसका समाकलन करना है, tan x का। tan x का समाकलन क्या होता है, tan x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, यदि नेगेटिव में लिखना चाहो आप वहां पर, tan x का समाकलन है किसी को याद, तो tan x को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सूत्र याद करके, अगर ये सूत्र याद नहीं हो तो हम इसको खोल कर लिख सकते हैं, रफली वर्क कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आप, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x को कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, वही पुराना वाला मेथड है। यदि आपको जो चीज़ याद नहीं होती है उसको आप खोल कर लिख लीजिए ताकि आपको वहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। cos x को हम क्या मान लेते हैं, t, तो cos x इक्वल टू क्या मान लिया, t, cos x का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, यानी हमारे पास हमें चाहिए साइन एक्स, तो साइन एक्स को कैसे लिख दूंगा मैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी और माइनस का डी टी, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा कि माइनस का लॉग हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, टी, टी के स्थान पर किसको लिख देंगे जो हमने माना था, तो क्या आ जाएगा कि माइनस का लॉग कॉस एक्स। तो एक तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो हमारे पास टेन एक्स था उसका जो फॉर्मूला है आपको भी याद होगा कि माइनस जो टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में वो क्या होता है, माइनस का लॉग कॉस एक्स। लेकिन हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं कि लॉग कॉस एक्स, और एक्स की पावर कितनी ले ली, माइनस वन, और जब माइनस वन ले लूंगा तो कॉस का क्या हो जाएगा कि जब कॉस की पावर में माइनस वन होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सेक में। तो हमारे पास दो रिजल्ट इसके निकल कर आते हैं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आपको चाहिए तो आप कैसा ले सकते हो, लॉग sec x ले सकते हो, और यदि नेगेटिव रिजल्ट चाहिए तो क्या हम ले लेंगे, माइनस का लॉग cos x। तो हमें तो क्या चाहिए, नेगेटिव हमारे पास पहले से ही है, तो क्यों ना हम इसका नेगेटिव वाला रिजल्ट यूज में ले लें। तो हमने कौन सा ले लिया, माइनस का लॉग x, तो माइनस एंड माइनस दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लस, तो क्या आ जाएगा, लॉग cos x। उधर को देखा y प्लस y tan y, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का लॉग क्या आ जाएगा, cos y, ठीक है, और प्लस का c, सभी को एक साथ कर लेंगे जो जो पद हमारे पास है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है कि log वाले दोनों पदों को एक साथ कर लेंगे, और जो सिंपल ये वाली फॉर्म है उन दोनों को एक साथ कर लेंगे,
तो क्या आ जाएगा x tan x माइनस y tan y, इधर को मैं log वाले को उधर ले गया, ठीक है, तो log किसका था, cos का है यहाँ पर, और माइनस का कौन हो गया ये, तो क्या आ गया log cos y अपॉन cos x, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर इसको भी किस में ले लूँ, log में ही ले लूँ, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो सकता है, तो क्यों ना इसको भी log में ही मान लेते हैं, तो मैंने इसको क्या मान लिया, log c मान लिया, यहाँ पर भी हम log c ले लेते हैं, चाहे यहाँ मत लिखिए आप, इसको रिजल्ट को यहाँ लिखिए, हमें आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है, तो आप उसको ऐसे छोड़ोगे ऐसे बीच में लोग हर जगह लोग वहाँ पर, तो थोड़ा उचित नहीं है, तो क्यों ना हमने सभी लोगों को एक साथ कर लें। अब कॉन्स्टेंट जो सी है वो अलग रहेगा, वो हमारे रिजल्ट को बनने नहीं देगा, तो हमने इसने इस वजह से क्या मान लिया, इसके कॉन्स्टेंट उसको क्या मान लिया सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये लॉग सी और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या आ जाएगा डॉट सी, यानी गुणनफल में क्या आ गया आपका सी। अब यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म है यहाँ पर, तो हम इस लॉग को इधर लो जाएंगे, तो इनवर्स जो लॉग होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉग जब यहाँ से हटेगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर x tan x माइनस का y tan y, ठीक है। इधर को क्या आ जाएगा कि c cos y अपॉन cos x, इसको और यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो हम इस cos x को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, तो cos x को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं मैं कि c cos y इक्वल टू cos x, और साथ में क्या आ जाएगा आपका ये वाला फंक्शन, तो हम इसको नई लाइन में यहाँ लिख देते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा एक मिनट, हाँ ठीक है, तो मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ, इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ कि c cos y इक्वल टू cos x डॉट e की पावर x tan x माइनस का y tan y, तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं, किसके द्वारा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड के द्वारा, यदि वो सोलो होता होगा तो, वरना आगे के मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं तो उनके मेथड उनसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो आज समझाया है या आपको जो बताने की जो कोशिश की है वो आपको सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमारी जो 5 दिसंबर से आपकी लाइव कक्षाएँ स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे या जो भी चीज़ें आपके होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी या कुछ भी और होगा, तो 5 दिसंबर से जब लाइव कक्षाएं आपकी स्टार्ट होंगी तो वहां पर आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता हो या कहीं पर आपको समझने में कोई दिक्कत आती हो, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी।